हेलो ऑल, मैं हूं पारस कोठारी और आज मेरे साथ हैं द वेरी टैलेंटेड वी ब्रदर्स हरनीत एंड मनमीत। लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूं बिकॉज मैं नॉर्मली हम लोग हमेशा आप दोनों को साथ में देखते हैं। आज आप दोनों अलग अलग लोकेशन से शायद ज्वाइन हुए, ऐसा कैसे हुआ है? क्योंकि कई लोगों को लगता है कि हम दोनों शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, बट हम लोग भाई हैं। हम लोग मैरिड नहीं, हम साथ में नहीं रहते 24 घंटे, काम करते हैं, बट लॉकडाउन में अपने अपने घर में रहते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस, इट्स अ ह्यूज ह्यूज हिट। वन मोर बिग सक्सेस टू बोथ ऑफ यू। कैसा एक्सपीरियंस रहा इस पूरे गाने का? बहुत अच्छा रहा है एक्सपीरियंस। और हमारा मोस्टली म्यूजिक थोड़ा अलग होता है, पेपी होता है, मस्ती वाला होता है, क्योंकि हम दोनों भी मस्ती खोर हैं। तो ये थोड़ा अलग गाना था, और ये भूषण जी जो है हमारे टी सीरीज के, उनकी उनकी ख्वाहिश थी कि ऐसा गाना बनाया जाए जो आज एक्चुअली माहौल ही ऐसा है कि हर इंसान कहीं ना कहीं बेवफाई फील कर रहा है। ऐसा लग रहा है जिंदगी ने हमारे साथ बेवफाई कर दी हो। तो बेवफाई का गाना है, और जब भी कोई सच्चे दिल से कोई अच्छी चीज बनाई जाए, फिर वो जॉनरा कोई भी हो, पार्टी हो, सैड हो, रोमांटिक हो, गाना हमेशा अच्छा अच्छा लोगों को पसंद आता है। तो ये बहुत खुश है हम लोग की रश्मि विराट का लिखा हुआ और हमारा कंपोज गाना है जो जुबिन ने गाया है, और सबको बहुत अच्छा लग रहा है। सब जगह रिकॉर्ड पे चल रहा है, ये ट्रेंडिंग पे है, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे भी, यूट्यूब पे भी। तो शुक्र है भगवान का। अच्छा, अप्रोक्सीमेटली आई जस्ट हर्ड दैट 50 मिलियन व्यूज हैव बीन क्रॉस्ड ऑन यूट्यूब फॉर दिस सॉन्ग। सो इट्स अनदर अनदर माइलस्टोन फॉर यू गाइस। Absolutely, it's our fastest grown song in our career, and honestly, हर आदमी को जरूर जानना होता है कि गाना इतना फास्ट ग्रो कर रहा है, एंड व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द सॉन्ग। एंड और अभी तो क्या शुरुआत ही है, लेकिन फिर भी ये भी एक छोटी सक्सेस मानी जाती है कि 4-5 दिन के अंदर इतने मिलियन सॉन्ग्स आ गए। तो आई थिंक द क्रेडिट रियली स्टार्ट फ्रॉम भूषण कुमार टी सीरीज, जिन्होंने जिनका विजन था एक गाने का, कि उन्होंने रियलाइज करा मार्केट में इस वक्त बहुत ब्रेकअप्स हो रहे हैं और बहुत डिवोर्सेज हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई, जो लोग रिलेटेबल सॉन्ग्स बनाए, जिस आदमी से जो जो हर आदमी रिलेट कर सके। अब नाइट क्लब्स खोले नहीं है, पार्टीज होनी नहीं है, तो पार्टी सॉन्ग बना के कोई फायदा है नहीं, डांस किस पे करोगे? तो पहले तो भूषण जी ने का ऐसा ऑर्डर आया कि भाई, एक गाना टेलर की तरह स्टिच करके दीजिए। फिर हमारे हमारे रागों पे, हमारी धुनों पे और हमारे रागों पे फिर रश्मि विराग का लिरिक्स आए, और उन्होंने फिर वो कॉन्ट्रीब्यूट करा। फिर जुबेन ने गाना गाया, और आशीष ने डायरेक्ट करा, और एक पूरी टीम होती है हमारी, जो इंजीनियर्स हैं हमारे, हमारे जो बैकएंड पे मैनेजमेंट टीम है, लॉयर्स हैं, सब लोग मिल के एक गाने को सक्सेस करने के पीछे लगते हैं, और तब जाके 50 मिलियन तक जाके गाना पहुंचता है। इट्स नॉट जस्ट वन पर्सन बिहाइंड द इट्स वर्ल्ड कप जीतने के लिए बीसीसीआई के साथ सारी टीम लगती है, वैसा वाला है नॉट ये वर्ल्ड कप है हमारे। अच्छा, ओके, मीट ब्रदर्स, मैं ये जरूर जानना चाहता हूँ कि बहुत साल पहले, आई रिमेम्बर व्हेन आई वाज इन स्कूल, देयर वाज एन एरा जहां पे म्यूजिक वीडियोस का बहुत ज्यादा क्रेज था और बहुत सारे ऐसे म्यूजिक वीडियोस बन रहे थे, एल्बम्स आ रहे थे, और बहुत सारे ऐसे म्यूजिशियंस थे, सिंगर्स थे, जो बेसिकली सिर्फ म्यूजिक वीडियोस पे ही काम कर रहे थे। वो फिल्म या बॉलीवुड रिलेटेड म्यूजिक नहीं बना रहे थे, वो सिर्फ म्यूजिक वीडियोस पे काम कर रहे थे, जो जिसको इंडी पॉप का कल्चर कहा गया था, इंडी पॉप एरा। उसके बाद बहुत समय तक वो डाई डाउन हुआ, म्यूजिक वीडियोस इतने नहीं बन रहे थे, और वो एक्टर, वो जो आर्टिस्ट थे, वो भी धीरे धीरे कुछ और करने लगे। अब वापस से पिछले 2-3 सालों में ये जो इंडी पॉप का जो पूरा एरा है, ये वापस कमबैक किया है इसने। इसको कैसे देखते हैं आप? ये एक्चुअली कल्चर उस वक्त शुरू हुआ था, और उस वक्त क्योंकि बहुत नया था, तो हमको याद है, आपको अपने स्कूल का टाइम याद है, क्योंकि फर्स्ट टाइम एक पॉप कल्चर जो आपने दुनिया में देखा था, फ्रॉम माइकल जैक्सन टू जॉर्ज माइकल टू ऑल दी अदर इंटरनेशनल आर्टिस्ट, और जब इंडिया में आया था तो एक नयापन लगा था। लेकिन जितना सक्सेसफुल और जितना वाइड तरीके से ये अब आया है और अब चल रहा है, ये आई थिंक ऐसा कभी नहीं हुआ हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में पहले। इस वक्त इंडिपेंडेंट म्यूजिक और सिंगल्स जो है वो बॉलीवुड म्यूजिक से बहुत ऊपर चल रहे हैं, लंबे चल रहे हैं सारे गाने ही, अगर आप देखेंगे तो। और उसमें पंजाबी म्यूजिक का बहुत बड़ा हाथ है, 70% म्यूजिक पंजाबी चल रहा है इस वक्त काफी सालों से, और असम तक, कलकत्ता तक, जहाँ हिंदी भी नहीं आती वहां भी पंजाबी म्यूजिक लोग इंजॉय करते हैं। तो ये चीजें आई थिंक फेज होता है, मूड होता है, हर इंसान का टेस्ट बदलता रहता है, हमारा भी बदलता रहता है। कभी मन करता है कि कभी हम बर्गर्स खा लें, कभी मन करता है कि चाइनीज खा लें, मन करता है इंडियन खा लें। सिमिलरली म्यूजिक की लाइकिंग इंसान की बदलती रहती है मूड के हिसाब से। तो ये कल्चर है पॉप का, ये आई थिंक
अब ये कहीं नहीं जाएगा, अभी आ गया है और जिंदगी जिंदगी पर रहेगा, और बहुत अच्छा है क्योंकि बैठे बैठे हिंदुस्तान, पहले पहले कुछ अगर बनना है तो उसके लिए बंबई आना पड़ता था, एक ही तरीका था, कोई दूसरा तरीका नहीं था। अब तो अपने अपने छोटे शहरों में, गांव कूचे में बैठ के आदमी वहां से अपनी अपनी पहचान बना लेता है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ईश्वर का गिफ्ट। हरमीत, आप उस जमाने के कोई ऐसे इंडी पॉप गाने को या फिर उस जमाने का कोई ऐसा म्यूजिक वीडियो हो जो आपको अभी तक याद हो, आपका फेवरेट हो फ्रॉम दैट एरा? फ्रॉम दैट एरा बहुत सारे गाने थे जो कि मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन जो एक बहुत ही अच्छा लगता था मुझे गाना, वो था बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी, ना 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 नहीं पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ये गाना बहुत ही अच्छा लगता था मुझे, बहुत रोमांटिक एक्चुअली। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जैसे वफा ना राजदाई हमारा गाना है, पर्सनली मेरे को रोमांटिक गाने सबसे ज्यादा मेरे फेवरेट हैं। बेबी डॉल चिट्टिया कलाइयां और केम आउट ऑफ अस एज बाय प्रोडक्ट ऑफ आर पार्टी साइड, हम लोग पार्टी और इन लाइफ भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं, तो वो भी हमारी एक साइड है, बट वो 9/10 है, बट 10/10 हमारी जो रियल साइड है मन की मेरी, वो एक बहुत रोमांटिक साइड है। और आने वाले समय में आई थिंक जब हम लोग जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी जैसे ओल्ड हो जाएंगे और लोग हमें याद करेंगे, तो हमारे रोमांटिक गानों के लिए हमें ज्यादा याद करेंगे, मुझे ऐसा लगता है, देन बेबी डॉल चिट्टिया कलाइयां। डेफिनेटली मनमीत, आपका कोई फेवरेट गाना हो सहरा का? सारे थे यार, वो एरा तो कमाल की थी। एक वो था, वो ऑल टाइम फेवरेट था मेरा, वो डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी, उसके बाद वो ओ सनम मोहब्बत की लकी कसम, ये तो पूरा मेडले चाहत है पूरा। तेरी यादें आती है, फिर वो अनामिका का कहीं करता होगा वो तेरा इंतजार। कितने गाने थे यार उस वक्त, तन्हा दिल तन्हा सफर, शान का गाना था, कितने सारे गाने थे जो इस वक्त याद करो तो पूरे 100 गानों की मेडले गा सकते हो आप, वो भी फिर तो था अपने ना, को कल आंखों में तेरा ही चेहरा, धड़कन में तेरी ही शाहिद आंखें, कपूर फर्स्ट म्यूजिक तेरी वीडियो आर्यंस यार आई थिंक ये यस, शाहिद कपूर का फर्स्ट वीडियो था शायद, ये ना शाहिद फर्स्ट कपूर का वीडियो, फर्स्ट शाहिद म्यूजिक कपूर वीडियो फर्स्ट वीडियो, और बहुत आर्यन वो के आई साथ थिंक था, सो और वो अपने कॉलोनियल कजन्स, यस Listen and by the way you smile, you may never know the reason. Sunny that सर, magana. क्या आप तो गाना था आपने यार, क्या पूरा गाना माइंड ही डाइवर्ट कर दिया यार, आपने नॉस्टैल्जिक कर दिया हमें। लेकिन आज आज के जमाने का जो ये नया एरा आया है इंडी पॉप का और म्यूजिक वीडियोस का, जिसमें बहुत सारे एक्टर्स भी जो हैं जो टेलीविजन के हैं या ओटीटी प्लेटफॉर्म के हैं या फिर फिल्म्स के हैं, वो अब इन म्यूजिक वीडियोस में फीचर कर रहे हैं, जिससे और उनकी जो रीच है, विजुअल रीच, वो और बढ़ जाती है। गाना तो है ही बहुत खूबसूरत, लेकिन एक अच्छा म्यूजिक वीडियो भी अगर उसके साथ हो तो उसकी रीच बहुत बढ़ जाती है। हाउ इम्पोर्टेंट इज द वीडियो पार्ट ऑफ अ सॉन्ग? सी आई थिंक आज की डेट में ऑडियो एक 50% है और वीडियो 50% है, क्योंकि आवाज के ऊपर शक्ल आनी बहुत जरूरी है। डिजिटल मीडिया एंड सोशल मीडिया ने जमाना बदल दिया है, लोगों को जब तक दिखेगा नहीं तब तक बिकेगा नहीं, तो दोनों दोनों बराबर का हो गया है, इसलिए वीडियो अच्छा बनना बहुत जरूरी है। लोग वीडियो के इमोशन से, उसकी स्टोरी से, उसके एक्टर से बहुत रिलेट करते हैं, और अगर ऑडियो वीडियो दोनों ही सुपरहिट है तो आपका प्रोडक्ट अपने आप निकल जाता है। तो दैट इज द सिंपल मैथमेटिक्स ऑफ टुडेज सक्सेस ऑफ अ सॉन्ग, की ऑडियो ऑल्सो हैज टू बी सुपर्ब एंड वीडियो। एंड जहां पहले था मार्केटिंग बहुत करनी पड़ती थी, अभी मार्केटिंग ऐसा है कि अगर गाना अच्छा है और सोशल मीडिया पे आपने थोड़ा भी मार्केट कर दिया तो अपने आप पिकअप कर जाता है, लोग वायरल इजिली हो शेयर जाता कर देते हैं, है ना, शेयर एंड लाइक, हर हर मैसेज के नीचे आता है शेयर एंड लाइक, है। राइट उससे हो जाता है गेम। ममित, आपके इस म्यूजिक वीडियो में क्या खास, सबसे जो इसको एक यूएसपी कहा जाता है इस म्यूजिक वीडियो की, वो क्या देखते हैं आप? क्या एग्जैक्टली एक यूएसपी है इस म्यूजिक वीडियो के? आई एम टॉकिंग अबाउट द विजुअल पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग। ये एक्चुअली जो डायरेक्टर जो आशीष पांडा, ही इज अ वेरी सेंसिटिव डायरेक्टर एंड अ वेरी सेंसिबल डायरेक्टर। इन्होंने जो भी वीडियोस और जो भी चीजें बनाई हैं वो हमेशा ही एक बहुत सिंपल और डायरेक्ट मैसेज कन्वे करती हैं। वो कोई ऐसे कोई गोल गोल, हमारा म्यूजिक भी ऐसा ही है, सीधा सीधा है, स्ट्रेट है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जल्दी समझ में आता है, जल्दी याद हो जाता है। इस वीडियो में मेरे को यही बहुत अच्छा अच्छा लगा कि लड़की जो है वो
अरुषि जो है वो शी इज नॉट डन टू मच ऑफ वर्क, और हिमांश बहुत काम कर चुके हैं दोनों के, और उनके साथ जो एक केमिस्ट्री बनाई और जो एक उन्होंने एक कहते हैं ना कि 5 मिनट के अंदर एक पिक्चर देख ली हमने, अभी इसी कॉन्सेप्ट पे सदमा बनी थी, इसी कॉन्सेप्ट पे पूरी पिक्चर बनी थी, अब उसी बात को आपको 5 मिनट में कहना है। ऑब्वियसली ये एक अलग थॉट है, एग्जैक्टली वैसा नहीं है, बट एक जॉनरा जो होता है वो एक थॉट का भी जॉनरा होता है। उस हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत सबसे अच्छी बात ये लगी कि काफी काफी अच्छी केमिस्ट्री उनकी बनी है, और बहुत सारी बातें उन्होंने 5 मिनट में कह दी हैं, और ब्यूटीफुल लोकेशन है कश्मीर की, तो एक अलग सा लगता है वीडियो, और बहुत अच्छी लगी हिमांश की भी एक्टिंग, आई थिंक वो बहुत बहुत ही करेक्ट वीडियो बनाया। हरमीत मनमीत, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार आप हमारे व्यूअर्स के लिए, इंडिया टीवी के व्यूअर्स के लिए, आपके सभी फैंस के लिए ये गाना, सिर्फ अगर आप एक मुखड़ा अगर आप गुनगुना सके। रो या हंसू तेरी हरकत पे या फिर तेरी तारीफ करो, मेरे दिल में तू ऐसे खेल गया, अब जी ना सको मर भी ना सको, तेरी जहर भरी दो आंखों की मुझे चाल समझ में न आई, तुझे वो हर सदियों ये जमाना याद करेगा यार तेरी बेवफाई, वफा ना राजाई तुझे वो हर जाई। जिन जिन लोगों के दिल टूटे हैं उनको लिटरली आप खून के आंसू रुलाएंगे इस गाने से। उनको स्पीड पे चल रहा हो कि 5 दिन में 5 मिलियन और सारे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेंड कर रहा है, रील्स पे ट्रेंड कर रहा है, तो वो कनेक्ट हो गया होगा लोगों ने अपना। वैसे ही सब इस वक्त काफी परेशान है, बाहर घर के बाहर से भी और घर के अंदर से भी फंसे हुए हैं एक दूसरे के साथ, और बाहर जा नहीं सकते, बाहर जाके और बुरा हाल है, तो कहीं ना कहीं ये गाना जो है रिलेटेबल है। और ये जो ब्रोकन हार्टेड सॉन्ग्स होते हैं, जो ब्रेकअप सॉन्ग्स जिन्हें कहा जाता है आल्सो, वो बनते ही इसलिए हैं क्योंकि जो लोग का दिल टूटा होता है उनका कुछ मन नहीं करता है, ना स्पोर्ट्स खेलने का, ना टीवी देखने का, ये एक म्यूजिक ही है, एक संगीत ही है जो उनको उस वक्त उनका सहारा बनता है, आदमी उसको यू नो लूप में बार बार प्ले करता है गाना, और एक एक इमोशन जो आदमी शायद रोना नहीं चाहता वो शायद सुन सुन के उसकी एक नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, बिकॉज मेलोडी तो एक सरस्वती की दी हुई चीज है, तो आई थिंक इसलिए गाने बनते हैं जब लोगों के दिल टूटते हैं तो ऐसे गाने बनाने पड़ते हैं। तो यार डेफिनेटली, और ये गाना भी आई एम श्योर जो आइकॉनिक ब्रेकअप सॉन्ग्स हैं, जो आइकॉनिक दर्द दिल वाले गाने हैं, उसमें ये जरूर इसकी गिनती होगी। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, ऑल द वेरी बेस्ट एंड स्टे सेफ गाइस। Thank you, bud. Thank you. Stay safe, man. All the best. You too. Bye-bye.